लगातार अपने दम पर सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी का धराशायी हो गया और उनका विजय रथ रोका है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये काम किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने, जिसने 40 से ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी को एक तरह से कहें उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर ढकेल दिया है। हमारे साथ शिवपाल यादव हैं और ये कहा जा रहा है कि जब से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में सक्रिय हुए हैं तब से समाजवादी पार्टी की सूरत बदल गई है, चाहे वो मैनपुरी का उपचुनाव हो और चाहे मौजूदा लोकसभा के चुनाव परिणाम हो। शिवपाल जी, ये चमत्कार तो मानते हैं हुआ है, बीते 10 साल में ऐसी स्थिति नहीं थी, क्या कारण रहा इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली? देखिए, ये जीत तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उत्तर प्रदेश की जनता की, और इसलिए भी है कि एक तो इन्होंने 400 पार का नारा दिया और इसका मतलब था कि संविधान को बदलना, और फिर संविधान को बदलते हुए इन्होंने सभी जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं थी उन पर भी कब्जा, और उसके साथ साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे, लगातार छापे, और फिर इसके साथ साथ प्रदेश में और भी समस्याएं थीं, जैसे नौकरियों का सवाल था। सब लोग विपक्ष के लोगों का सम्मान करते थे, सुनते थे बात, मानते थे बातें, सही बात को मानते भी थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने तो विपक्ष को ख़त्म ही करने का शुरू कर दिया था। कृपाल जी, अब आखिरी सवाल है, जो आपकी चुनौती है आगे वो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ये जो जीत आपकी हुई है ये आगे चल के बरकरार रहे, बनाए रखें आप इस मोमेंटम को, कितना आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अब तैयारी बीजेपी की तरफ से भी जोरदार तरीके से होगी वापसी की, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है 2027 का आपके सामने? देखिए, अब हम अपने संगठन को और अपने कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच में जाएंगे, रहेंगे, और मुझे तो उम्मीद है कि 2027 में या 27 से पहले चुनाव हो जाए तब भी हम लोग अपने समाजवादी पार्टी के संगठन को और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ रख करके और 2027 में सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस के साथ आप मान के चल रहे हैं कि चलेगा अलायंस? अब ये लंबा अलायंस चलेगा। धन्यवाद। तो शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है ये आगे भी चलेगा, एक तो ये तय बात है, दूसरी वो ये कह रहे हैं कि अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव क्षेत्रों को यदि हम विधानसभा में बांट लें तो समाजवादी पार्टी इस वक्त विधानसभा में बहुमत में है। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ विवेक तिवारी।